हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून अभी गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून के बीच में हम लोग झूल गए ठीक है आ जाते हैं चलिए कौन कौन आए ऐम आई है और कहा है ऐमन और हजीफा और बाकी आएगा स्टोरी आगे बढ़ेगा <laughs> हाँ कब बोलेंगे वेलकम ऑल ऐन कौन है आवाज़ आ रही है क्लियर हाँ कह दीजिए नया ले नया माइक लगा के देख रहा हूँ आवाज़ आई थिंक क्लियर है मैं भी चेक कर लेता हूँ ओके क्लियर है आ जाइए जफफा नहीं आया कहाँ गया है क्लास है ना वीडियो नॉट रिसीविंग थोड़ा एक दो मिनट प्रॉब्लम होता है थोड़ा हो सकता है कोई इशू नहीं है एक दो मिनट ना प्रॉब्लम करता है लेकिन ठीक है अब ठीक है तो हम लोग विक्टर कर रहे थे आज ही यूजर पास तीन चालीस हो गया तैतालीस हो गया तो हम लोग कर रहे थे आपका डॉट प्रोडक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्लास मिस कर रहे प्रॉब्लम करेगा ठीक है प्रॉब्लम करेगा प्रो फिजिक्स में और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका लाइफ ही प्रॉब्लम हो गया कहीं ना कहीं तो पढ़ ही लेंगे ऊपर या नीचे कोरोना के बाद या कोरोना से पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे थे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका स्टार्ट किया था डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट क्या किया था खत्म कर दिया था तो मैंने बोला था कि दो वेक्टर अगर दिया हुआ है यूनिट वेक्टर के टर्म में ठीक है यूनिट वेक्टर के टर्म में जो दो वेक्टर दिया हुआ है उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं तो आते हैं बोर्ड पे ठीक है तो दो वेक्टर के टर्म में मेरा मैंने दो वेक्टर लिया था ए वेक्टर और बी वेक्टर तो ए वेक्टर को मैंने माना था एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप ये दो वेक्टर वेक्टर को बोलते हैं इस तरह से अगर वेक्टर लिखा रहता है तो मैंने बोला था वेक्टर इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर आज कलर चेंज कर देते हैं पेन का कौन सा कलर रखना पसंद करेंगे तो ब्लू कर देते हैं आज आज ब्लू दिवस है ठीक है तो दो वेक्टर को करने के लिए डॉट प्रोडक्ट सिंपल तरीका बोला था कि आय का जो कोफिशेंट है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे विथ साइन तो क्या होगा एक्स वन इंटू एक्स टू जे के कोशिशन को कर देंगे तो वाई वन इंटू वाई टू और के के कोफिशन को कर देंगे तो के वन ये सभी को आपस में सम कर देना तो इस तरह डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा एग्जाम्पल भी बताया था दो ऑलरेडी भेज दिया था है ना दो एग्जाम्पल भी बताया था यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया था जिसका आंसर आप लोगों ने दिया था ठीक है तो आ जाते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट अगर डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बोलेगा तो क्या होगा ठीक है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट अच्छा लिखा रहा है एप्लीकेशन ऑफ मेरा सेट हो जाए एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इसका एप्लीकेशन क्या है नंबर वन जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपके सिलेबस में टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दो वेक्टर आपको दिया हुआ मान लीजिए से ए बी ए बी दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये दो वेक्टर आपके पास है इसका आपको एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए मेरे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम लोग ईजिली एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल सकते हैं ठीक है मान लीजिए दो वेक्टर है एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का आपको बोला एंगल निकालो थीटा। ये क्या होगा तो लेट थीटा बी द एंगल सबसे पहला बात जब सोल्यूशन करेंगे थीटा बी द एंगल थीटा बी द एंगल मैथ्स है बिल्कुल मैथ्स की तरह एंगल तो ये निकालने के लिए कुछ नहीं डॉट प्रोडक्ट जब कभी बोले एंगल दो वेक्टर के बीच का निकालो कुछ नहीं करना जस्ट ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना कोई मैथ्स का कोई फिजिक्स का कोई केमिस्ट्री ज्यादा कुछ दिमाग नहीं खटाना डायरेक्ट याद करेंगे डॉट प्रोडक्ट को किसको याद करें आओ डॉट प्रोडक्ट आ जाओ तो डॉट प्रोडक्ट आपका प्रकट हो गया जस्ट बोलिए मिस्टर इंडिया जैसे प्रकट होता है उसी तरह डॉट प्रोडक्ट प्रोडक प्रकट हो जाएगा दिस इज ए बी कॉस थीटा ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ़ बी वेक्टर कॉस थीटा तो ये तो डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट का है ना डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है यहाँ पे जो कॉस थीटा है इस कॉस थीटा को अलग कर लो थीटा मतलब क्या एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इसको जस्ट अलग कर लो और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लो बस सिंपल सा बात यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लो ठीक है तो जैसे आपका इसका वैल्यू आया मान लेते से इसका वैल्यू आया वन मान लेते इसका वैल्यू आया आपने ए डॉट भी किया मेरे मेथड से और ए भी किया से वन आया तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो थीटा इज इक्वल टू जानते हैं कॉस जीरो पे होता है दैट इज जीरो डिग्री है ना कॉस वन कब होता है नाइनटी डिग्री पे कॉस वन कब होता है जीरो डिग्री पे यानी दो कॉस थीटा वन है मतलब दो वेक्टर आपस में पैरेलल है है ना जीरो डिग्री है मतलब दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो मान लीजिए ये वैल्यू आएगा वन आया जीरो आया थ्री बाई टू आ सकता है ठीक है तो थीटा का वैल्यू इजीली आपको मिल जाएगा अगर इसका आपको वैल्यू मालूम है तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल इव यू टेक एग्जाम्पल तो बोला फाइंड एंगल बिटवीन कभी कभी सीधा साधा आएगा कभी कभी कॉस्ट के टर्म में आएगा अगर मान ली यहाँ पे कोई बोला सर आपका आ गया वन बाई थ्री वन बाई थ्री का क्या हुआ तो थीटा इज इक्वल टू मुझे बोला सर अगर वन बाई थ्री आया तो क्या करेंगे मान लीजिए ये वन बाई थ्री आया तो कुछ नहीं करेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई थ्री कर दीजिएगा ठीक है कॉस इनवर्स वन बाई थ्री यानी ये कॉस को उठा करके जस्ट वन बाई थ्री की तरफ भेज देंगे और इनवर्स लगा देंगे तो फाइंड एंगल बिटवीन नंबर वन नंबर वन आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस ट्री के कैब थोड़ा आस्ते आस्ते करा कल बहुत फास्ट हो गया एंड फास्ट हो गया इसीलिए हुजैफा गायब हो गया क्या अरे लॉकडाउन है लॉकडाउन में खेलना कूदना बाहर निकलना मना है आइए ऑनलाइन आइए इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है फाकी मत दीजिए बहुत फांकी हो रहा है सबका ट्री आई ठीक है माइ प्लस टू जे कैप बनाइए बनइए फोर आ, प्लस माइनस प्लस के कैप ठीक से ये बनाना है इसके बीच का एंगल बताना आपको ठीक है इन दोनों के बीच का एंगल बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर ठीक है इस तरह लिखा रहेगा नंबर टू इसके बीच में क्या होगा निकालिए पहला का आंसर बोलिए क्या होता है पहला क्या होगा दिख रहा है थोड़ा बड़ा हो गया ठीक है कोई बात नहीं कभी कभी इस तरह देगा क्या होगा ठीक है इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा Hmm. इसके बीच में एंगल क्या होगा ये चार क्वेश्चन है पहला वाला बताइए मैं बना पाइएगा सिंपल सा बात इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट नहीं है। तो ए बी मान लीजिए ए बी मान करके नंबर वन को कैसे करेंगे सिंपल सा नंबर वन बता दे रहे बाकी आप बनाइएगा नंबर वन मैं बता दे रहा हूँ ठीक है पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ फिर ऊपर कर दूंगा नंबर वन में वन का देखिए सॉल्यूशन तो सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे कि दो वेक्टर ए है और बी है ए तो को लिखा मैंने ठीक है आई कैफ माइनस टू जे कैफ प्लस थ्री के कैफ ठीक है बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ जा रहा है बी वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई कैफ प्लस टू जे कैफ प्लस के क्या ठीक है बहुत सारे सर तो हैं डांस करके पढ़ाते हैं स्कूल में डांस करके पढ़ा रहे हैं क्या यूट्यूब पे तो डांस और सिंगिंग करके पढ़ाते हैं है ना लोगों को डांस और सिंगिंग करने का बहुत शौक है इसीलिए उनका वेबसाइट भी हैक हो जाता है <laughs> ठीक है वेबसाइट ही हैक हो जाता है लो डांस करो और सिंगिंग करो समझे एक सुना है कल गेम हाँ हुआ नहीं हुआ ठीक है अभी तक तो आया नहीं कोई आंसर ओ, देख लीजिए पहले मैं बनाता हूँ उसके बाद आप ये कीजिएगा कल बहुत सारे लोगों का वेबसाइट है यूट्यूब चैनल हैक हो गया बहुत हो गया मजा आ गया चलिए आइए तो क्या करेंगे लेट थीटा भी द एंगल लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल रिक्वायर्ड एंगल तो वी नो लिखेंगे क्या जानते हैं एग्जाम में इसी तरह करना है। We know, cos theta is equal to direct a dot b by a b divided by magnitude of a magnitude of b। तो क्या करेंगे? सबसे पहले साइड में यहाँ से आपको ये सब वैल्यू पुट करना तो a dot b निकालेंगे जो ऊपर में आपने लिखा। है ए डॉट बी क्या होगा जैसे यहां देखिए जैसे करीब में रखिए ज्यादा दूर हो गया करीब करीब है दिख रहा है एक दिखना चाहिए एक ही पेज में होना चाहिए ऐसा नहीं कीजिएगा कि ए बी कहीं और लिखे ए डॉट बी कहीं और कर रहा है दोनों एक करीब करीब होना चाहिए हम साथ साथ ठीक है तो इसमें क्या होगा आई के साथ कितना मल्टीप्लाई है वन और नीचे वाला आई के साथ कितना है थ्री कर दिया ऊपर वाला के साथ कितना प्लस दिया पहले प्लस फार्मूले का प्लस ऊपर चलाया फार्मूले का प्लस देने के बाद माइनस टू ऊपर वाले के साथ जे के साथ है नीचे वाला जे के साथ कितना है टू है ठीक है उसके बाद मैं थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूँ फिर नहीं देखिए थ्री और नीचे वाला के के साथ वन है तो क्या होगा प्लस ऊपर वाले के साथ थ्री ऊपर वाला के के साथ है थ्री और वन देखिएगा तो के वाला के के साथ ये मेरा आया डॉट प्रोडक्ट क्या आया थ्री माइनस फोर थ्री आ गया देखिए ओ, 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 ओ। क्या बोल एक सेकेंड मैं गलत तो नहीं किया ना हाँ ठीक है थ्री कितना हो रहा है प्लस थ्री हाँ सिंपल नहीं है सिंपल क्या होगा बाबू टू टू आया तो ए डॉट बी सर टू मिल गया अब ए कैसे मिलेगा तो ए निकालने के लिए क्या मैंने बताया था ए इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर सबके कोफिशन का स्क्वायर आई के कोफिशन का स्क्वायर ठीक है आप यहां देख के भी कर सकते हैं पहला का वन है माइनस टू है थ्री का है डायरेक्ट पुट कर सकते हैं माइनस टू दूसरे का ये जे के कोपिशन का स्क्वायर प्लस के के कोपिशन का स्क्वायर ये ए वेक्टर हुआ तो क्या है ए वेक्टर देख लिए वन प्लस फोर प्लस नाइन दैट इज रूट फोर्टीन तो ए का वैल्यू मिल गया बी उसी तरह देखिए इसका कोपिशन तीन है टू है और वन है इस सभी का स्क्वायर का सम का रूट तो थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर तो ये भी इत्फाक़ से वही आ रहा है रूट फोर्टीन आ रहा है तो अब इसको कुछ नहीं करना ये लाइन कंटिन्यू रहेगा ठीक है थीके? तो टेढ़ा हो गया सीधा बनेगा अब इसको देखो थीटा तो में पुट कर देंगे कुछ नहीं आग बंद करेंगे आग खोल करके पुट कर देंगे आग मत बंद कीजिएगा बहुत सारे बोलते हैं ना मुहावरा है आग बंद करके तो, तो मुहावरा भी बनाए तो गलत मुहावरा बनाए आग बंद करके पुट कर दो हाँ ठीक है सीमा मैम आराम कीजिए ना कितना क्लास लीजिएगा ठीक है टू डिवाइडेड बाय फोर्टीन रूट फोरटीन इंटू रूट फोर्टीन ऐमन का स्कूल तो आज लॉकडाउन है तो कल भी छुट्टी लिया होगा परसों लॉकडाउन तो भी है ना लॉकडाउन में टीचर क्लास अमन नहीं कल क्लास हुआ था स्कूल में वन बाय सेवन बचा बाबू तो देखिए कॉस्ट थीटा था वन बाय सेवन आया तो सर थीटा कितना हुआ थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई सेवन बस देखिए मैथड एक क्वेश्चन समझ लीजिए एक क्वेश्चन आ जाएगा सौ क्वेश्चन हजार क्वेश्चन जितना क्वेश्चन दे इस टाइप का बना लीजिएगा हाँ लिए थे वेरी गुड ठीक है एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया सच बोले एक क्वेश्चन समझ आया क्या बोलते हैं एक 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 ही न्यूक्लियर बम काफी है है ना <laughs> उसी तरह ये एक न्यूक्लियर बम की तरह आपका है सब बोलिए यूट्यूब पर बोलने से बोलता है यूट्यूब की सब वर्ड मत यूज़ कीजिए ठीक है यूट्यूब में है बुरा मत बोलो बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो लेकिन अगर बोले तो बुरा मत बोलो मैं बुरा मत बोलो ठीक है बुरा मत बुरा सुनाओ सुनो मत मैं सुनाओ तो ये देख लीजिए मैंने वन बना दिया वन बन जाए तो टू बनाइए क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए उसके बाद वन को देख लीजिए वन को देख करके कर टू बनाइए कॉपी करने की जरूरत नहीं है अगर कॉपी करना है कर लीजिए एक क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए मैं थोड़ा घूम के आता हूँ नहीं। तो नहीं मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं कल अगर नहीं कल तो नहीं मेरा क्लास जिस दिन होगा मंडे को मैं लूंगा फीस से तो जियो मीट से या गूगल मीट जियो मीट से करेंगे जियो मीट में नेटवर्क मतलब अच्छा वीडियो क्वालिटी आ रहा है क्योंकि जियो का खुद का ऐप है ना तो इसीलिए वो लोग थोड़ा होगा मंडे को जियो मीट से क्लास लूंगा ठीक है तो फेस टू फेस क्लास होगा वो तो बहुत फाकी हो गया जैसे क्लास में होता था क्लासेस वैसे ही क्लासेस होगा ठीक है जो आपके मतलब इसके लिंक जो है आपको लॉगिन करके ही मिलेगा ठीक है लॉग इन करके ही मिलेगा और रिकॉर्डेड क्लास जो हम लोग के प्लस मतलब प्लस क्या जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको मिला नेक्स्ट मैंने टू बाई रूट थ्री बाई टू चेक कर रहा हूँ मैं टू बाई थ्री रूट टू आ रहा है टू बाई थ्री रूट टू तो रेशनलाइज कर दो ना रूट टू बाई थ्री होगा ना माइनस रूट टू बाई थ्री रेशनलाइज कर दीजिए कितना आ रहा है ये रूट थ्री आ रहा है ये रूट है आपका वन वन फोर सिक्स आ रहा है रूट थ्री इंटू रूट सिक्स माइनस वन क्या माइनस वन हाँ माइनस वन है तो कॉस्थीटा माइनस वन आया बाबू तो एंगल बता दो ना स्टैंडर्ड वैल्यू है तो कॉस्थीटा माइनस वन आया तो स्टैंडर्ड वैल्यू बताओ आप डॉक्टर ऐसा बनोगे जो इलाज नहीं करना जाने या इलाज करने से डरे ट्रीटमेंट करने तो वैसा डॉक्टर तो मैं बनाने वाला पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा हूँ और ना मैं वैसा टीचर हूँ ट्यू, ट्यूटर हूँ कि मैं घर में बैठा हूँ पढ़ा रहा हूँ सिर्फ ठीक है और लगा हुआ कोचिंग को प्रमोट करना है एकदम ऑनलाइन ऑफलाइन बैनर लेके खड़ा हूँ एकदम सही वन एट्टी डिग्री नेक्स्ट बनाइए आपको तो डॉक्टर बनना है पेशेंट को ठीक करने के लिए ठीक है हम लोग अपने पूरा जान लगा चुके हैं एकदम मतलब मेरा तो जो लास्ट ब्रेथ होता है लगता है कि वो निकलने वाला है ऐसा है, इतना एक्सटेंड तक हम लोग खट चुके हैं और खट रहे हैं ठीक है एक वीक ड्यूटी के बाद आप समझिए दस दिन भी आपके लिए छुट्टी काफ़ी नहीं है दस से चौदह दिन रिकवर होने में लग रहा है कितना था और लोग बैठ करके अन एकेडमी प्रमोट कर रहे हैं बोला अरे यार डॉक्टर बनके प्रैक्टिस करके क्या फायदा वो टीचिंग करके ही काम हो जा रहा है तो बेवकूफ लोग ठीक है टेक्नोलॉजी एडवांस करेंगे ये वाला बनाइए जल्दी वेरी गुड क्या है इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है वन फोर फाइव सिक्स रूट सिक्स यानी सिक्स आ रहा है और ये कितना आ रहा है ठीक से बनाइएगा फोन नंबर थोड़ा टफ है थोड़ा थोड़ा सा टफ दिया है माइनस टू माइनस वन माइनस प्लस टू माइनस हाँ लास्ट वाला बताइए फोन तो नंबर सही है का लग रहा है क्लास व्लास से लग रहा है इसीलिए क्लास ले यहाँ सैटरडे क्लास होता है जनरली कीजिए ना टाइम पास करने के लिए क्लास कीजिए यही हम लोग का टाइम पास ही समझिए यही टाइम पास आपका मतलब कैरियर बना देगा ठीक है एडुके टीचिंग मुझे जहाँ तक लगता है पढ़ना पर, लिखना जैसे इन्जॉयमेंट है टाइम पास है लेकिन वही टाइम पास बहुत काम का चीज ठीक है मैं तो यही यहाँ तक ये यह भी सोचता हूँ जो एग्ज़ाम में टॉप करता है ठीक है वो अपने तरफ से कुछ नहीं करता वो तो बुक का जाके छाप देता है ठीक है तो यहाँ पे कोई बड़ा बात नहीं है कि आप हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड लाए कोई बहुत मामूली है थोड़ा सा अटेंशन दे, दे देंगे सब्जेक्ट पे तो यू विल गेट हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड उससे बियॉन्ड पा सकते हो हमेशा टारगेट रखो एग्जाम में जब भी बैठे हो के हमको जितना पूछा है क्वेश्चन उससे थोड़ा ज़्यादा करके आए ठीक है तो आप अगर हंड्रेड सेवेंटी मार्क्स का है एट्टी नाइन्टी करके आते हो तो आपको कौन रोका है कि आपको सेवेंटी ना दे ठीक है तो मैं जिस पेपर में किया हूँ ना वहाँ मुझे हंड्रेड परसेंट मिला है जिस जिस पेपर में ऐसा किया था और जिस पेपर में नहीं किया था तो नहीं मिला था तो मुझे वहां से ये टेक्निक मालूम हो गया कि टॉपर्स लोग का टेक्निक मैंने जो एकदम अलग बनना है टोटली अलग बनना अदर स्टूडेंट से यानी करोस में से आपको वन या टेन या हंड्रेड में आना है तो ये टेक्निक बहुत बहुत अच्छा और यूनिक है ठीक है माइनस वन बाई सिक्स सही जवाब सही जवाब है ठीक है तो पहला एप्लीकेशन समझ में आ गया सेकेंड एप्लीकेशन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑलरेडी बता चुके फिर से बता कंडीशन ऑफ पॉपेंडिकुलरिटी दो वेक्टर कब पॉपेंडिकुलर होगा हम लोग इजली बता सकते हैं ऑफ टू वेक्टर्स दो वेक्टर पॉपेंडिकुलर कब होगा वो हम लोग इजिली बता सकते हैं कैसे बता सकते हैं जैसे भी बताइए, ठीक है, तो दो वेक्टर बना लेते पहले। पहले हैं और ये वेक्टर बी भाई साहब है दोनों के बीच में नाइन्टी डिग्री बन रहा है ये दिख भी रहा है तो नाइन्टी डिग्री मतलब क्या होता है थीटा नाइन्टी डिग्री ठीक है तो अगेन जब भी बोले पॉपेंडिकुलर कब है क्या है पॉपेंडिकुलर वर्ड आ जाए वेक्टर में तो आपके दिमाग में सिर्फ डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए ए बी कॉस थीटा अगर वेक्टर ए बी के टर्म में नहीं दिया तब भी इसको ए बी के टर्म में रख करके उसका रूप दे करके उसको सोचिए तो ए बी कॉस थीटा होगा थीटा एंगल बिटवीन देम तो थीटा का नाइनटी डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे कॉस नाइन्टी पुट कर देंगे थीटा कॉस नाइन्टी क्या होता हम है हम लोग जानते हैं जीरो तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया मेरा जीरो तो दुनिया में जब कभी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा यही रिक्वायर करेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वाइट कंडीशन ठीक है तो आपको बोला दो वेक्टर ठीक है दो वेक्टर शो डैट इस तरह बोला शो डैट क्वेश्चन शो डैट आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप एंड ठीक है माइनस टू आई कैप प्लस माइनस के कैप आ परपेंडिकुलर प्लस के कैप आर परपेंडिकुलर एक सेकेंड रुक जाएगा ये टू नहीं होगा आप परपेंडिकुलर देखिए आर परपेंडिकुलर पेन थोड़ा सा एक गलत लिख दिया फाइन भी प्लस लाइक आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप या जे कैप प्लस एक ही बात है आर पर्पेंडिकुलर ये शो करना है देखिए शो हो रहा है कैसे शो होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको दिखाना होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या जीरो हो रहा है देखिए तो इसको ए मान लिए इसको बी मान लिए क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है इफ डॉट प्रोडक्ट इज जीरो देन बोथ आर परपेंडिकुलर नहीं बोलिए मैम डॉट प्रोडक्ट निकालिए फाइन दोडक्ट ए डॉट बी कितना ए डॉट बी अगर आप जीरो दिखा देते हैं तो है अगर ए डॉट बी का कोई कुछ वैल्यू आ जाता है तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा इससे पहले वाला क्वेश्चन में किसी में भी डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आया था यस yes no, और नो डॉट प्रोडक्ट <coughs> इज जीरो नोट ए सी में रहो तो ठंडा नहीं रहो तो ठंडा बंद कर दो ए सी तो ठंडा मेरा पानी दिखाई नहीं देता है देखिए ये हाथ में क्या लेके ये पानी को मैं हाथ में लेके रख सकता हूँ ब्लैक ब्लैक देख रहे ना सिर्फ पानी है ये पानी को मैंने हाथ में लेके रखा है <laughs> देखिए ट्रांसपेरेंट पानी कैसा होता है देखिए क्या फिजिक्स लग रहा है इसको थोड़ा तो मालूम कीजिएगा यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये कॉलम दिस इज लिक्विड कॉलम ठीक है मैंने हाथ में बोतल ले लेकिन एक्चुअल में आपको लिक्विड कॉलम दिख रहा है। बोल आया, आया मुजफर गायब हो गया मिस्टर इंडिया टुडे मैम शायद लग रहा पहले बोल दी थी क्लास नहीं होगा ओ बाकी लोग डोंट वरी यही क्लास आपके जो बाद में ज्वाइन करेंगे वो लोग भी इसी क्लास को देखेंगे यस जीरो है तो है जस्ट जैसो आ गया ठीक है टू टूक्टर्स आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ठीक है टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर उसी तरह इसी तरह क्वेश्चन में आपको दे दिया इफ बोला इस क्वेश्चन दूसरा टाइप का क्वेश्चन जिसमें ऑलरेडी बोल देगा कि पर्पेंडिकुलर है ठीक है इफ आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आर Perpendicular to each other, to each other, then find the value of A, find the value of A, find the value of A, and find the value of A. फाइन कीजिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट उसी का टाइप टू क्वेश्चन है ठीक है उसमें आपको बोला था शो करने इसमें ऑलरेडी बोल दिया कि परपेंडिकुलर है ठीक है ऑलरेडी जब बोल दिया परपेंडिकुलर है तब कैसे करेंगे ऑलरेडी परपेंडिकुलर है दो वेक्टर वहां पे ए का वैल्यू स्मॉल ए का निकालना मतलब क्या वो डॉट प्रोडक्ट जीरो है ये आपको मालूम हो गया पॉपेंडिकुलर है मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इन दोनों का

प्लस के कैप क्या शांति है मैना लोग भी बोल रही थी कि क्या हो रहा था मेरे यहाँ पे ना मैना है तोता है कुत्ते हैं बिल्ली हैं सांप हैं कॉपियन है, है, है मंदिर है पास में काली माँ का ये मेरे घर के जस्ट बगल में काली माँ का मंदिर है काली माँ के साय में रहते हैं ठीक है जस्ट मेरे रूम के बगल में तो वहाँ पे सब आते हैं दर्शन के लिए ठीक है आता है बिच्छू तो बाप रे बाप मत ने हमें नए घर में वो आता है क्या नाम है? है, आता ठीक है बगल में मैदान है तो सब खाने के लिए आता है तो के, केला बहुत पसंद है केला खाता है निकल जाता है बनाइए का वैल्यू क्या आएगा सिंस वेक्टर ऑफ परुलर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो माइनस टू ठीक है उसी को प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने दिया था ठीक है ए इस इक्वल टू माइनस टू आया ए माइनस टू आया प्रीवियस क्वेश्चन को ही घुमा के मैंने दिया तो एक ही टाइप का क्वेश्चन हो अब नाउन पहले वाले क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ यूनिट वेक्टर पे बेस base करके बेस्ड ऑन यूनिट वेक्टर ठीक है क्योंकि यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन नहीं कराया था बेस्ड ऑन यूनिट वेक्टर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बेस्ड ऑन यूनिट वेक्टर ठीक है डॉट प्रोडक्ट पे थोड़ा बनाइएगा यूनिट वेक्टर थोड़ा सा करा दूँ क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं हुआ था न्यूमेरिकल ज़्यादा ठीक है तो यूनिट वेक्टर पर थोड़ा बता देता हूँ आइए डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल बनाइएगा ठीक है और जो आज कराए उसको था देख लीजिएगा इस टाइप का एग्जाम्पल बना के मुझे सेंड कीजिएगा जो नहीं समझ में वो मैं बता दूंगा एक और क्वेश्चन सर डॉट प्रोडक्ट पे एक और क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक सेकेंड प्रोडक्ट पे बेस करके और आपको नुँ, नुँ, नुँ। और एक दो क्वेश्चन और करा देते बोला है क्या बोला है इफ ऑफ ए वेक्टर एक और क्वेश्चन कर लीजिए एंगल पे बेस करके याद आ गया ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस यानी सम ऑफ द वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस ऑफ द वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन तो नहीं पढ़ाए नहीं लगेगा ठीक है अभी इफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन आपको बुक से एग्जाम्पल बनाना है डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट का कौन सा बुक है आपका कौन सा बुक है नूतन में फॉलो कर रही है नूतन में जाइएगा डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट का दिया हुआ एग्जाम्पल पीछे में ठीक है कैसे एग्जाम्पल दिया हुआ वो मैं कुछ दिखा रहा हूँ इसी टाइप का एग्जाम्पल होगा करा दो, दो चार एग्जाम्पल करा रहा हूँ देख लीजिए समझ में आ जाए ठीक है इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड यानी सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू है सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ओके okay. तो बोला है फाइंड हाँ नूतन में है थोड़ा टफ टफ है ठीक है देखता हूँ आप एन बोला था एन का लिंक इस वीडियो के नीचे में दिया हुआ है ठीक है एनसीआर का ठीक है इसके डिस्क्रिप्शन में ना एन फिजिक्स का लिंक दिया हुआ है अब वो डाउनलोड कर लो वहाँ से कर लो ठीक है बेटर होगा उसमें अच्छा अच्छा दिया हुआ है ए, इ, मोशन यूनिट मोशन इन वन डायमेंशन में तो आते हैं फाइंड अगर ये मेरा क्वेश्चन नंबर फाइंड सॉरी इफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ए माइनस बी के तो फाइन बोला है एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आपको नूतन में दिया हुआ है यही क्वेश्चन दिया हुआ है तो अगर ऐसा होगा तो एंगल क्या होगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक दो तीन नंबर में पूछता है ठीक है ए सी बंद किए तो फीवर फीवर लगे ओके आइए चलिए कैसे करेंगे तो सर ये डॉट प्रोडक्ट की मदद से आप डॉट प्रोडक्ट में लिखा है मतलब कि डॉट प्रोडक्ट की मदद से कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं तो डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम ये कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देखिए हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्या करेंगे सॉल्यूशन स्क्वायरिंग बोथ साइड ए बी के बीच में एंगल थीटा ही होगा सेलिब्रिटी है एंगल में एंगल का सेलिब्रिटी कौन है थीटा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव क्या होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा देखिए ए प्लस बी मॉट का स्क्वायर ए माइनस बी मॉट का स्क्वायर ठीक है तो मैंने बताया था याद होगा कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर होगा सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो वो क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर ठीक है मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होता है ना दो वेक्टर का सिमिलर वेक्टर होगा उसका स्क्वायर होगा तो ये, उल्टा भी पढ़ सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड है किसी का स्क्वायर का ठीक है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इस तरह से सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो ये भी तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिमिलर वेक्टर कौन है ए के जगह ए प्लस बी लिखा हुआ तो ए प्लस बी को दो बार डॉट प्रोडक्ट लिखे समझिएगा फिर से बोल दे रहा हूँ सिमिलर एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर होगा तो उसका वेक्टर फॉर्म होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर दैट टू वेक्टर सिमिलर टू वेक्टर दैट ए डॉट ए अगर यहाँ बी होता मैग्नीट्यूड तो बी डॉट बी ए प्लस बी होता तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी ए माइनस बी होगा तो माइनस बी डॉट ए माइनस बी तो इक्वल टू इसके लिए भी वही स्टोरी जो ए प्लस बी के लिए हुआ था इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं डॉट ए माइनस बी तो देखिए वेक्टर फॉर्म में आ गया ये जब वेक्टर फॉर्म में आ गया हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या बोलते हैं ब्रैकेट डॉट में अगर ब्रैकेट में कोई वेक्टर रहा तो उसको कुछ नहीं ब्रैकेट ओपन करना है आप ए को सबसे डॉट कर दीजिए और बी को सबसे डॉट कर दीजिए यही था तो ए को सबसे डॉट करेंगे तो क्या हुआ ए डॉट ए आएगा ए को करते हैं पहले सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई दूसरे में क्या ए डॉट बी आएगा इज इक्वल टू सॉरी प्लस अब बी को करते हैं बी को भूल गया बी डॉट ए आएगा उसके बाद फिर बी को करते हैं बी से तो बी डॉट बी आएगा ये पहला एल एच एस का काम हो गया उसी तरह एल एच एस जिस तरह किया मैंने आर एच एस को भी उसी तरह करें ए को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से और बी को इस पूरे से ठीक है ए को इस पूरे से किए आर एच एस अलग अलग लाइन में लिखिएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी फिर क्या होगा माइनस बी डॉट ए बी को कर रहे हैं आप प्लस बी डॉट बी तो यहाँ दिख रहा है एलएचएस में ए डॉट ए है आरएचएस में ए डॉट ए है सेम थिंग अगर होता है तो क्या होगा कैंसिल जीरो यहाँ पे भी बी डॉट बी प्लस में है यहाँ पे भी बी डॉट बी कैंसिल बचा क्या टू टू ए डॉट बी इधर क्या बचा हाँ टू ए डॉट बी कैसे होगा सर क्या लिखना है एल एच एस में ये दोनों बचा हम बोले ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों भाई भाई है है ना दोनों भाई भाई है क्यों सिंस बी डॉट ए इज इक्वल टू मैंने बोला था ए डॉट बी जिसको बोले थे एसोसिएटिव लॉ ठीक है दोनों इक्वल होता है तो इसको लिख सकते हैं इन दोनों भाई साहब को टू ए बी इन दोनों भाई साहब को लिख सकते हैं माइनस टू ए बी ए डॉट बी क्योंकि आगे पीछे डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता देखिए एसोसिएटिव भी यूज हुआ यहाँ ठीक है नेक्स्ट टू टू भैया जाएगा घूमने बचा क्या इसको इधर उठा के ले आइए बचा है ए डॉट बी जनरली काटने अगर काट रहे हैं तो आपको जो बचा है वो लिखना पड़ता है अब बोले सर ए डॉट बी ए डॉट बी काट दिए ना तो कुछ बचेगा नहीं ठीक है तो सर इसको इसको भी काट दीजिए ना बचेगा नहीं वन इज इक्वल टू माइनस वन इलाजिकल तो इसको काट नहीं सकते ठीक है काट नहीं सकते इसलिए कि ये जीरो नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी इसको कुछ नहीं शराफत से इसको उठा करके एल एच एस में ले आएंगे क्या करेंगे काटने से माइनस वन हो रहा है मैथ रॉन्ग हो जा रहा है ठीक है अच्छा अच्छा मैथमेटिशियन रॉन्ग हो जा रहा है क्यों रॉन्ग हो रहा है क्योंकि ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो ए डॉट बी सॉरी इक्वल टू जीरो हो सकता है इसीलिए अगर ए डॉट बी जीरो हो गया मान लीजिए ए डॉट बी जीरो हो गया तो कोई भी जीरो टर्म वाले को आप काट नहीं सकते एल एच एस आर एच एस आर एच एस में आप सिर्फ इसको काट सकते हैं जो नंबर है कोई नंबर होगा तो ठीक है इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हो रहा है ठीक है सर क्यों नहीं काटे वाई यू आर नॉट कटिंग बिकॉज ए डॉट बी ज़ीरो हो सकता है कोई भी नंबर हो सकता है जीरो भी हो सकता है तो इसीलिए नहीं काट सकते हैं याद रखिएगा पूछेगा टीचर अगर ऑनलाइन पढ़ा रही है ना ठीक है यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आए तो जरूर पूछिएगा। मम्मी तो याद आई टू इधर जाएगा ए डॉट बी क्या आया जीरो आया आया तो ठीक है तो ए डॉट बी का माने आप लिख दीजिए ए बी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ज़ीरो देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो दैट इज इक्वल टू कॉस नाइन्टी डिग्री देफो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू नाइन्टी डिग्री तो आंसर इज दिस दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ठीक है देख लीजिए समझ में आया थोड़ा तो लंबा स्क्वायरिंग किए डॉट प्रोडक्ट मिले देखिए माइनस का कोई मेरा काम ही नहीं है तो एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेरा निकल गया ए डॉट बी ज़ीरो ए डॉट बी जीरो आया तो मतलब ए बी थीटा पुट कर देंगे उसकी जगह थीटा का वैल्यू मिल जाएगा बोलिए ऊपर से एक बार यहाँ से ला के दिखा देते कॉपी कॉपी मत किया मैं भेज दूँगा ठीक है भेज दूँगा आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन बनाने के लिए ये हो जाए डॉट पोर्टर एक सिंपल क्वेश्चन बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डायग्राम दे दे तो एफ, रहा हूँ एक बॉडी है इस तरह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ तरफ ठीक है फोर्स तो अगर फोर्स दे दिया है आपको फोर्स एक्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी लात खाएगा तो लात खाएगा तो थोड़ा तो, तो आगे बढ़ेगा ना लातों का भूत सुने ना बातों से नहीं सुनते तो भूत उतारने के लिए भगाने के लिए लात लगाता तो है फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट होता है वही होता है लातों का भूत भाग रहा ठीक है तो लात कौन है यहाँ पे फोर्स है अब जब लात मारोगे किसी को तो फोर्स लगाओगे ठीक है तो फोर्स लगाने से क्या क्या फोर्स लगाया बोल रहा है फोर्स लगाया आई कैप मेरा फेवरेट आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप ये फोर्स लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट बोला हुआ है आई कैप माइनस के कैप जी पे तो यहाँ पे बोल देगा ये न्यूटन है और ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ठीक है न्यूटन में है और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ मीटर में ठीक है अगर आपको मान लीजिए यहाँ डाइन दे दिया ठीक है रात वाली डाइन नहीं ठीक है तो ये डाइन को आपको एसआई यूनिट में ले जाना होगा अगर यहाँ सेंटीमीटर दे दिया तो सेंटीमीटर को किस में ले जाना होगा मीटर से वन बाई हंड्रेड डिवाइड करके ठीक तो है पे चेंज कर सकता है तो बोला है क्या क्वेश्चन फाइन डब्लू वर्क डन कितना होगा निकाल के बताओ फाइन वर्क डन कितना जूल होगा वर्क डन कितना जूल होगा ये सिंपल है तो वर्क डन मैंने बताया ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अगर फोर्स और डिस्प्ले वर्क डन और का रिलेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से देखें तो डॉट प्रोडक्ट होता है ठीक है पावर पावर के रिलेटेड अगर पावर होगा तो फोर्स एंड वेलोसिटी दे देगा ये फोर्स एंड वेलोसिटी गिवन है आपको तो ढूंढना है ठीक है ये फोर्स एंड वेलोसिटी आज क्या है ना बता दू एक आपको टेक्निक बता दो टॉपर वाला टेक्निक ठीक है टॉपर वाला एक टेक्निक बताता हूँ टॉपर लोग क्या करता है ना लाख कुछ हो जाए ठीक है वो कभी नोट्स नहीं लेता और पढ़ता ठीक है अगर लेता भी है ना तो फेंक देता दिखाने के लिए लेता है ठीक है कि हम नोट्स ले रहे हैं वो नोट्स लेके फेंक देता है ठीक है वो नोट्स बनाएगा तो अपना बनाएगा याद रखिएगा वो न्यूमेरिकल करेगा तो अपने से करेगा एक बार आइडिया अब जो वो करेगा कैसे वो एक न्यूमेरिकल किसी का देख लिया या सर से देख लिया सर से देखने के बाद सेम न्यूमेरिकल क्या करता है उस चैप्टर में ना खंगाल देता है जैसे पानी को साफ किया जाता है ना मैल मैल को साफ किया जाता है कपड़े से जब तक मैल नहीं जाएगा उसको हम लोग मारते रहेंगे मारते रहेंगे तो वो जब तक उसको उस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलता वो वो चैप्टर में चैप्टर को क्या बोलते हैं नहला देता है नह दहला जो कर रहे हैं सब उसको घाट देता है एकदम उसको घाट डालता है ठीक है तो रिजल्ट क्या होता है वो एक क्वेश्चन के चक्कर में वो दस नए तरह का क्वेश्चन देख लेता है समझ और उस दस तरह के क्वेश्चन में वो दो से तीन टाइप का क्वेश्चन उसको ऐसे ही समझ में आ जाता है यानी उसने गया था करने के डॉट प्रोडक्ट करूंगा वो क्रॉस प्रोडक्ट भी देख लिया वो उससे पहले वाला भी यूनिट वेक्टर भी देख लिया वो उससे पहले वाला चीज सम पे भी देख लिया ठीक है तो ये टॉपर बनने का ट्रिक है ठीक है ये ट्रिक यहीं पर मैं बता रहा हूँ ठीक है लेकिन एक मोटिवेशनल क्लास होगा ठीक है वहाँ पे भी मैं बताऊँगा डिस्कस करूँगा तो एक टॉपर बनना इतना आसान है समझ लीजिए ठीक है उसका एटीट्यूड ठीक है टॉपर का जो एटीट्यूड मेरे से आपको मालूम नहीं है मेरे से बात करने से पहले लोग मेरे बैच में डरते थे ठीक है क्यों डरते थे रीज़न क्या था मैं वहाँ पर कोई भाई या दादागिरी नहीं करता था रीज़न ये था कि वो मेरे पास आते थे तो मैं उससे पढ़ाई से रिलेटेड बात कर देता था जबकि मुझे भी उसका कोई नॉलेज नहीं रहता था चैप्टर का लेकिन फिर भी पूछ लेता था क्योंकि सामने वाले को लगे कि हाँ कुछ दम है ठीक है और होता भी था ठीक है तो आज के लिए इतने ही रखते हैं बाबू आप लोग अपने फ्रेंड लोग का है नंबर अगर तो शेयर कीजिए ताकि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप में उनको एटलीस्ट कुछ क्लासेज जो फ्री वाले होते हैं वो सब शेयर कर पाएं और हम लोग टेलीग्राम का एक चैनल बनाएं जिसमें आप लोग को स्टडी मटेरियल हम लोग शेयर करेंगे वहाँ पे अगर शेयर करने से मोबाइल का आपका स्पेस नहीं यूटिलाइज होगा जो आपको चाहिए वो डाउनलोड कीजिए देखिए और उसको फिर आप डिलीट कर सकते हैं तो एक टेलीग्राम चैनल है मैं लिंक भेज दूंगा तो वो आप लोग ज्वाइन कर लेना ठीक है आप भी ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह मिलेगा यहाँ पर भेजने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग शेयर करते रहेंगे और आप लोग देखिए अभी गूगल क्लासरूम में अपडेट्स आ रहा है आई थिंक आ चुका है कि आप लोग भी वहां से फाइल अटैच कर सकते हो फाइल अटैचमेंट का ऑप्शन है अगर है फाइल अटैचमेंट का ऑप्शन तो वहां पे जा करके आप क्या करना है कैमरा करना नहीं बोलिए मत डोंट आप लिंक शेयर कर दीजिए ठीक है जो क्लासेस हम लोग ये करें बोलने से कोई नहीं होता है, क्लास व्लास नहीं करना बोलिए कि क्लास हो रहा करना करो अच्छा लगे तो फर्दर वो खुद करेगी ठीक है नहीं अच्छा लगे वो खुद नहीं करेगी तो मैं क्या बोल रहा था कि गूगल क्लासरूम में जाए देखिएगा अटैचमेंट ऑप्शन है कि नहीं आप लोग लो का हम लोग का यूनिक क्लासेस में अटैचमेंट ऑप्शन अगर है तो उसमें कैमरे से फोटो क्लिक की जाए डिरेक्ट कैमरा में जाने का ऑप्शन है फोटो क्लिक करके डायरेक्ट आप होमवर्क भेज सकते हैं वो ज़्यादा बेटर होगा अगर हो गया तो मैं चेक कर रहा था था फीचर आ गया क्योंकि मैंने यूनिक क्लासेस को एज ए स्टूडेंट रखा है ग्रुप में तो देख रहा है कि उससे भेज पा रहा हूँ मैं एडमिन भी भेज पा रहा है वो भी भेज पा रहे हैं तो ठीक है आज के लिए इतने रखते हैं नेक्स्ट क्लास का हम नेक्स्ट वीक से ना फ़िक्स कर दे रहे हैं टाइमिंग आप लोग अगर हो तो डेमो क्लास के लिए फ़्रेंड को बुला सकते हो उसमें ठीक है मुझसे बोलिएगा लिंक देने मैं दे दूंगा तो ठीक है चलिए कल सीमा मैम का क्लास होगा गूगल मीट से कराते हैं कल सीमा मैम का ठीक है थ्री पी ओके अल्लाह हाफिज़ बाय